ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। आम सभा की बैठक के बाद 11 सूत्री मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी के समक्ष जिला मुख्यालय में धरना दिया गया। जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि आज की महंगाई में पंच को 500 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, इसे बढ़ाने के लिए वे जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि मुखिया व विधायक को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें भी मिलना चाहिए। पंच सरपंच संघ से पूरा और पंच सरपंच संघ से पूरा का जिलाध्यक्ष मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। आज सूबे के सभी जिले से ग्राम कचहरी के सरपंच पंच उपस्थित हुए हैं। हम लोग 2-3 घंटे का धरना दिए, अभी जिला पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप के आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्यपाल महामहिम को हमने ये लेटर भेज देंगे और अपने जिला का कुछ ग्राम कचहरी का समस्या था उसको भी लेकर जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। उस पर भी आश्वासन दिए कि इस पर अति शीघ्र इस पर काम होगा और आप सभी सरपंच को सुरक्षा और चौकीदार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने ऐसा वादा किए हैं कि आप लोग खाली मैसेज दीजिए, आपको कचहरी में ग्राम रक्षा दल चौकीदार उपस्थित। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, पंच सरपंच संघ जिलाध्यक्ष शेखपुरा। और 11 सूत्री मांग का जो ज्ञापन सो उसमें मुख्य मांग है कि हमारे सरकार जो मुख्यमंत्री महामहिम है उनके कथनी और करनी में फर्क है। वो जब जब चुनाव आता है तो उन्होंने घोषणा कर देते हैं, वो भी खुलेआम वेबकास्टिंग द्वारा घोषणा करते हैं कि आप भी त्रिस्तरीय पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं वो लोक सेवक हैं। तो एक लोक सेवक 2.5 लाख जिनको सब सुविधा उपलब्ध होता है, यानी अभी टेलीफोन का बिल नया आता है, मोबाइल रिचार्ज फ्री है, फिर भी टेलीफोन का 15,000 सुविधा ले रहे हैं। अगर 15,000 सभी सरपंच को दे दिया जाए तो उसमें ये लोग अपना सम्मान मानदेय संतोष करेंगे और ग्राम कचहरी का जो निपटारा है फौजदारी या दीवानी मामला हो उसको बढ़िया से करेंगे और मन से करेंगे, जो कि न्यायालय में अभी कितना पेंडिंग है। ग्राम कचहरी को सशक्त नहीं बनाने के कारण अभी कितना केस है जो पूरा पेंडिंग में है। जज साहब भी बोलते हैं कि ये सब छोटा छोटा मामला तो ग्राम कचहरी में होना चाहिए और वो मेरे पास आ जाते हैं। इसका यही कारण है कि सरपंच लोग को मान लीजिए जब सुविधा नहीं दिया जाता है इसलिए वो लोग जो के दौड़ के सब थाना के शरण में जाते हैं, सरपंच का मान उतना नहीं देते हैं। अगर ग्राम कचहरी सशक्त होता तो आज थाना नहीं पहले ग्राम कचहरी में जाते, चूँकि हम 24 घंटा काम करते हैं और सरकार और थाना 8 घंटा काम करती है और 24 घंटा रात को 12 बजे रात में भी सरपंच साहब हमको मारा, सरपंच साहब हमको बेटा खाना नहीं दिया। हम लोग सरपंच साहब दौड़ के जाते हैं कि अरे बाबू काहे नहीं देते हो, तुम्हारे माँ हैं पिता हैं काम करते हैं। मुहर ले लो, मुहर तो ले लो, वो कुर्सी ले लीजिए ना।